जय हिंद एस के एस लर्निंग प्लेटफॉर्म एस में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले राइट टू फ्रीडम की जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में दिया हुआ है ठीक है तो इसकी आज हम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं तो आर्टिकल 19 में हमें छः तरह, तरह के छः तरह के फ्रीडम जो है वो दिए हुए हैं तो उसमें जो है सबसे पहला क्या आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द दिन ऑफ इंडिया है और फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरेटरी है ठीक है तो ये आपके छ्रीडम दिए हुए हैं और इसके ऊपर क्या है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा है तो ये आपका जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आर्टिकल और यहाँ पे उसका जो भी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन बाय लॉ लगाया जा सकता है उसको मैंने राइट हैंड साइड कॉलम में यहाँ पे शो किया है तो आपका ये आर्टिकल कहता क्या है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा तो यहाँ पे जो आपके कुछ राइट्स हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की असेंबल की बात की हमने तो देखा भी हमने तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या क्या फ्रीडम आपको मिली हुई है उसके बारे में इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है तो सबसे पहले कहता है ये कि इसका जो फर्स्ट आपका क्लॉज है वो कहता है ऑल हैव द राइट ऑल सिटीजन मतलब ये राइट सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही प्रोवाइडेड है कुछ कुछ राइट right जो है वो सभी को प्रोवाइडेड है चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नॉन सिटीजन हो जैसे कि आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन है ठीक है ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल रिबर्ट ये सबको प्रोवाइडेड है उसी तरह से आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस किसी को किसी ऑफेंस के तहत कन्विक्शन कोई करनी है तो वहाँ पे क्या क्या प्रोटेक्शन है डबल जी पार्टी जैसे है तो वह सब चर्चा करेंगे वो यहाँ वो चीज़ें जो है वो सिटीज़न एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को दी हुई है लेकिन यहाँ पर जो ये आपका आर्टिकल नाइनटीन है इसमें जो भी फ्रीडम दिया हुआ है या जो भी यहाँ पे राइट्स दिए हुए हैं वो सिर्फ सिटीजन के रिस्पेक्ट में है तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि आ, कौन सा आर्टिकल जो है के रिस्पेक्ट में कौन सा जो नॉन सिटीजन के रिस्पेक्ट में तो इसलिए आप इसको नोट करके रख लेंगे ठीक है तो आपका क्लॉज वन कहता है ऑल राइट right. सब सिटीजन को राइट right होगा किस चीज का राइट right होगा पहला जो उसमें बताया गया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अपनी बात को बोलकर ज़ाहिर कर कर किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करके वो फ्रीडम होगी कि कोई भी सिटीज़न अपनी बात को रख सके तो इसके लिए ये सारे तो यहाँ पे बता दिए कि आपके क्या क्या फ्रीडम है उसके साथ अगर आप देखें क्लॉज टू में ये मेंशन कर रखा है कि इसके ऊपर क्या रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो पार्लियामेंट बाय लॉ लगा सकता है तो उसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है कि बाय एन एग्जिस्टिंग लॉ यानी कोई लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके थ्रू भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है या लॉ मेड बाय द स्टेट स्टेट का मतलब यहाँ पे आर्टिकल ट्वेल्व के अंदर जो डिफाइंड है उसकी बात है स्टेट का मतलब राज्य नहीं है यहाँ पे स्टेट का मतलब यूनियन कोई भी गवर्नमेंट और जो हमने आर्टिकल ट्वेल्व में पढ़ा था वो कोई भी स्टेट हो सकता है तो वो क्या कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ तो किस चीज़ के इंटरेस्ट में यानी ये जो पॉइंट्स दिए हुए इसके इंटरेस्ट के ऊपर यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस राइट right को जो है रेगुलेट किया जा सकता है या उसको रिजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ठीक है लिमिट किया जा सकता है तो आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके लिए क्या क्या लिमिटेशन किस इंटरेस्ट में लगाया जा सकता है एक तो सॉवरटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो इंडिया की जब संप्रभुता या आपकी सॉरेंटी जो है या इंटीग्रिटी खतरे में होगी तो उस केस में किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है सिक्योरिटी पे कोई खतरा हो स्टेट की तो भी इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स तो जिससे अगर किसी की कोई बात बोलने से कोई स्पीच से किसी एक्सप्रेशन से जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगला जो पॉइंट है वो आपका पब्लिक ऑर्डर तो अगर अगर कोई ऐसी बात कोई बोलता है जिससे पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो कोई वायलेंस uh, इनिशिएट uh, हो जाए कोई uh, कोई uh, कोई, uh, कोई हमला कर दे कोई इस तरह की कोई भी चीज जिससे पब्लिक ऑर्डर जो पीस है सोसाइटी के अंदर उसके ऊपर कोई खतरा आ जाए पब्लिक ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो जाए तो उस केस में भी इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट के ऊपर जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है डिसेंसी एंड मोरालिटी तो जब कोई कोई बात बोलेगा तो ऑब्वियसली वो बात इस तरह की होनी चाहिए डिसेंट होनी चाहिए और मॉरल भी होनी चाहिए तो अगर कोई मोरालिटी के बियॉन्ड कोई बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करके आ, जो है दूसरे को कोई इनडिसेंस बात कर रहा है या इमोरल बात कर रहा है तो उस केस में भी अगर इस चीज़ को नोटिस करके स्टेट चाहे तो बाय लॉ देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी कि ये लॉ के द्वारा ही काम हो सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया यानी एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास कर दिया और रिजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर दिया लॉ का मतलब पार्लियामेंट से पास ए स्टेच्यूट एक्ट होना चाहिए तभी जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है तो ये सिटीजन एक तो ध्यान में रखना है कि सिटीजन के लिए अवेलेबल है राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है ये सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं और ये बाय लॉ ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ठीक है उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता तो डिसेंसिव मोरालिटी हो गया इन रिलेशन टू ऑफ कोर्ट तो ऐसी कोई बात जिससे कंटेम्प्ट हो जाए और उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है डिफॉर्मेशन किसी का अगर किसी का बोलना कुछ स्पीच से एक्सप्रेशन से किसी का डिफॉर्मेशन हो रहा है मानहानि हो रही है तो उस केस में भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेगुलेट किया जा सकता है बाय लॉ और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस तो अगर कोई ऑफेंस यानी कोई गुनाह या कोई जुर्म करने के लिए भी किसी के बोलने से कुछ स्पीच से एक्सप्रेशन से कोई इस तरीके का ऑफेंस का इंसाइटमेंट यानी उत्तेजित करना कर सक कर रहा है कोई तो उस तरह उस तरह की स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर भी जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो ये जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो यहाँ पे राइट दिया हुआ है और उस पर जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है आपका आर्टिकल जो नाइनटीन है उसके क्लास टू के अंदर तो ये वहाँ पे बता दिया मैंने इसी तरह से सेटअप किया है कि जो भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट right है आपका वो और वहाँ पे उसके ऊपर क्या रिजनेबल सेक्शन है इस तरीके से इसको जो है कॉलम में डाल दिया है जो सेकंड आपका ये दिया हुआ है आपके क्लॉज वन के अंदर ही ए और ये पार्ट बी है तो वो है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स तो इस पर क्वेश्चन भी आया था ट्वेंटी के अंदर आया था शायद तो उसमें लिखा हुआ था कि ये इसमें बताइए कि कौन कौन सा जो है करेक्ट है तो उसमें असेंबल पीसफुल विद आर्म्स लिख दिया था तो इस तरह की छोटी छोटी जो लैंग्वेज है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है ठीक है और इसके ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ का लगाया जा सकता है और सोवेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर खतरा है किसी के असेंबल होने से और पब्लिक ऑर्डर पे कोई नुकसान हो सकता है या उसके इंटरेस्ट में नहीं है किसी का असेंबल होना तो इस तरीके से उस पर जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगला है टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो इस चीज़ की भी हमें फंडामेंटल राइट दी हुई है इस फ्रीडम दिया हुआ है कि हम एसोसिएशन बना सकें एसोसिएशन मतलब जैसे दो चार लोग मिलकर एक ग्रुप मिलकर बना सकें यूनियन बना सकें सर्विस के भी यूनियंस होते हैं और कॉमर जो आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ होते हैं उनके भी यूनियन होते हैं तो इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए जो है एक राइट right दिया हुआ है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इंसर्ट किया गया था ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका इंसर्ट हुआ है नाइन्टी अमेंडमेंट के अंदर ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अमेंडमेंट का ये कि यहाँ पे कब आया है तो ये भी इंपॉर्टेंट था इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है तो एसोसिएशन बनाने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सोवेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी का है यानी जो भी यूनियन बनेगा वो मोरली जो है करेक्ट होना चाहिए पब्लिक ऑर्डर पे उस कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और सोवेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए उसके बाद जो राइट्स दिए हुए हैं एक तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी पूरी इंडिया के अंदर कोई भी सिटीज़न ऑफ जो है इंडिया वो पूरी तरह से फ्रीली कहीं पे भी जो है मूव कर सकता है और उसी के साथ जो दो राइट्स को एक साथ पढ़ा जाता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो पूरी इंडिया के अंदर कोई सिटीज़न घूम भी सकता है और साथ के साथ किसी भी पार्ट के अंदर वो रिसाइड भी कर सकता है रह भी सकता है ये इसका फ्रीडम दिया गया है तो इसके लिए जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक है दोनों के लिए सेम ही है एक तो ये कि जनरल पब्लिक में इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है यानी अगर जनरल पब्लिक के लिए आपका कहीं पे ठहरना या सेटल होना उससे नुकसान हो रहा है जनरल पब्लिक को तो उस केस में आपका रिसाइड करना वहाँ पे जो है या मूवमेंट जो है उसको रोका जा सकता है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता वो reasonable reasonable of of tribe, तो है वो भी रीजनेबल तरीके से बाय लॉ और रीजनेबल तरीके से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब तो जैसे कि कुछ एरियाज़ होते हैं वो जंगल में वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब रह रही है अगर आपके वहाँ पे रिसाइड करने से उनको कोई खतरा हो या उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म पहुँचे तो उस केस में भी ये अवॉइड किया जा सकता है या ये चीज़ जो है रिजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया सकती है बाय लॉ यानी बाय लॉ ये बना दिया जाएगा एक एक्ट पास कर दिया जा सकता है कि इस एरिया में जो है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब जो रहते हैं तो इसलिए इनको वहाँ पे नहीं रहना देने जगह एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ठीक है तो इसमें ये जो एफ पॉइंट था ये एफ पॉइंट आपका राइट टू प्रॉपर्टी था यानी यहाँ पे लिखा हुआ था टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी यानी पहले टोटल सात यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स थे यहाँ पे इसके अंदर जो एफ यहाँ ए से लेकर एफ में थे जी तक थे उसके बाद क्या किया ये एफ को जो है ये आपका अमेंडमेंट है फोर्टी फोर्थ फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया लीगल राइट right बना दिया जो कि आपका आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए के अंदर है यानी राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट right था फिर फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया नाइनटीन सेवेंटी एट के अंदर और इसको लीगल राइट right बना दिया गया और आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए को इंसर्ट कर दिया गया तो इस तरीके से आपका जो है पहले सात जो फंडामेंटल राइट थे वो छः बजकर रह गए यानी फ्रीडम के जो आपके राइट्स दे रखे हैं नाइनटीन के अंदर वो छः हैं आपका जी जो राइट है वो कहता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन यानी इंडिया में किसी भी सिटीजन को किसी भी तरीके का प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस करने की आज़ादी है कोई भी ऑक्यूपेशन वो कैरी कर सकता है कोई भी ट्रेड करना चाहे कोई भी बिजनेस करना चाहे तो वो फ्रीली कर सकता है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किया जा सकता है मेकिंग एनी लॉ रिलेटिंग टू और जो पार्लियामेंट है या स्टेट है वो लॉ बना सकता है किसके रिगार्डिंग कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर किसी प्रोफेशन को किसी ऑक्यूपेशन को या किसी ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो प्रस्क्राइब किया जा सकता है बाय लॉ ठीक है बाय लॉ मतलब एक्ट पास करना पड़ेगा लेजिस्चर द्वारा द कैरिंग ऑन द स्टेट बाई कारपोरेशन ओन कंट्रोल्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ कंप्लीट पार्शल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो स्टेट पूरी तरह से किसी तरीके को ऑक्यूपेशन को खुद ही कैरी आउट करे ठीक है यही लिखा हुआ द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय ए कॉरपोरेशन ओन कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट तो वो जो एक्सक्लूजन हो सकता है वो कंप्लीट भी हो सकता है पार्शल भी हो सकता है और दोनों तरीके से हो सकता है या अदरवाइज और दूसरे तरीके से भी हो सकता है यानी अगर स्टेट चाहे और वो किसी प्रोफेशन को किसी बिजनेस को किसी ऑक्यूपेशन को खुद करना चाहे तो वो पूरी तरह से भी सिटीजन को उस चीज़ के लिए रोक सकता है तो ये बाय लॉ लेकिन होगा ठीक है तो ये आपके जो है आर्टिकल नाइनटीन के अंदर ये आपके जी तक यानी जिसके अंदर एफ ओमिटेड है ये आपके छः जो है फंडामेंटल राइट्स बता रखे हैं और उसके ऊपर रिजनेबल डिस्क्रिप्शन किस किस केस में लगाया जा सकता है ये भी बताया हुआ है चलिए इनके बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं तो एक तो बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि ये सिटीजन को अवेलेबल है सिर्फ दूसरा द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल नाइनटीन कैन ओनली बी इम्पोज बाय ए लॉ जैसा कि मैंने बताया कि बाय लॉ ही इम्पोज किया जा सकता है किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या इस तरीके किसी भी चीज़ से नहीं किया सकता वो लॉ होना चाहिए यानी वो पास होना चाहिए पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से पास होना चाहिए वो रिजनेबल भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने लॉ तो बना दिया लेकिन वो अनरिजनेबल है तो लॉ भी रिजनेबल होना चाहिए और इन कनेक्शन विद द पर्पज़ेज जो परपजेज बता रखे हैं यहाँ पे मैंने बताया कि इन इन चीज़ों से रिलेटेड ही किया जा सकता है अगर इन चीज़ों पे खतरा है तभी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इस पर हो इसके असम्बली के, के केस में इन दोनों पे हो तो ये जो चीज़ें दी गई हैं उसी को ही ध्यान में रख के जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है आर्टिकल नाइन वन की बात कर लेते हैं आपका यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड होता है ठीक है विद रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो कोई भी फंडामेंटल राइट right है कोई भी एप्सल्यूट नहीं होता एप्सल्यूट का मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं कि बोल दिया कि ये फंडामेंटल राइट right है और कोई इसको जो है चेंज नहीं कर सकता आपने देख ही लिया कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो फंडामेंटल राइट right कोई सा भी है वो एब्सल्यूट नहीं है रेजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंक्लूड करता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग आर अलाउड अंडर नाइनटीन वन ए तो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है तो आप प्लेकार्ड्स या वो जो डंडे लेके जिसमें कुछ लिखा होता है उसको लेके अगर हम जा रहे हैं तो वो भी एक तरीके का स्पीच और एक्सप्रेशन का ही पार्ट है तो उसको भी माना गया है कि वो उसमें इंक्लूड होता है ठीक है लेकिन ये क्या है नॉन वायलेंट होना चाहिए और ऑर्डरली होना चाहिए राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट जो राइट टू स्ट्राइक है वो कोर्ट ने बोला है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट right नहीं है ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी जो बंद के लिए आपने देखा होगा कई कई पॉलिटिकल पार्टी होती है किसी भी वजह से बोलती है कि इस दिन हम बंद रखेंगे चक्का जाम जिसको भी बोलते हैं हिंदी में भी बोलते हैं तो इस तरह की चीजें जो है कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट का मतलब जब भी मैं कोर्ट की बात करूंगा तो उसका मतलब हर में सुप्रीम कोर्ट होगा अदरवाइज अगर जब मैं बता दूंगा कि अगर जब कहां पे किसी और दूसरे कोर्ट की बात कर रहा हूं तो जनरली जब मैं कोर्ट तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो बंद पोलिटिकल पार्टी अरेंज करती हैं या ऑर्गेनाइज करती हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता है सिटीजन के ठीक है राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस फंडामेंटल राइट right का पार्ट है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है आर्टिकल नाइनटीन ए के अंदर और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एक्सरसाइज विदाउट आर टी आई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन तो जब तक हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं तो हम अपनी स्पीच या एक्सप्रेशन कैसे दे पाएंगे तो आर टी आई के तहत हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम अपना जो है मेंटल यानी फॉर्म कर सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है और उसके बाद ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे जब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो एक्सप्रेस अपने आप को करने में अनेबल है इस तरीके का कोर्ट ने बोला है तो आरटीआई के विदाउट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के विदाउट जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक तरीके से अपंग है ये कह जा सकता है तो इसलिए ये माना गया कि आर जो है इसका पार्ट है राइट right टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसका और आर्टिकल 191 वन ए के तहत वोटर्स को भी क्या है राइट टू नो है राइट टू नो किसका अपने कैंडिडेट्स का जो भी बैकग्राउंड है उसका एंटीसिडेंट्स है उसका कहाँ से आया है उसने क्या जुर्म किया है किसका क्या क्या धाराएं से चल रही है तो ये सब इंसिडेंट उसका बैकग्राउंड जानने के लिए राइट right है इसके अंदर नाइन्टीन वन ए के अंदर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू वोट तो इसी के तहत जो राइट टू वोट है इसको भी कोर्ट ने माना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही राइट टू वोट भी आता है क्योंकि वोट देना भी एक तरीके का अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है नाइनटीन वन बी के अंदर राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स ठीक है हमने पढ़ लिया ये क्या है एक तरह की कोरोलरी है कौरौल्री मतलब इसी का ही नाइनटीन वन ए का पार्ट कह सकते हैं नाइनटीन वन ए का पार्ट कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ही कोई असेंबल करता है तो असेंबली का पर्पज क्या है असेंबली का पर्पज ये है कि हम लोगों से मिले अपने विचारों को आदान प्रदान करें अपने स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट को यूज करें तो इस तरीके का भाव जो है जनरली होता है असेंबल होने का तो इसीलिए बोला है कोर्ट ने कि ये इसका क्रौल्री है क्रौल्री मतलब उसी का ही सब पार्ट है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वाला। <coughs> राइट होल्ड तो कि उसके अंदर मिला हुआ है वो आपका राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स है टू टेक आउट प्रोसेस तो आप जुलूस जो, जो निकालना है वो भी राइट माना गया है कि वो असेंबल पीसफुली के अंदर ही आता है राइट टू हेल्थ डेमोन्स्ट्रेशन तो जो डेमोस्ट्रेशन है वो भी माना गया कि इसका पार्ट है राइट टू होल्ड हंगर स्ट्राइक ये भी इसी का पार्ट माना गया है सी के अंदर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन बोला गया है तो इसके अंदर जो कंपनी का राइट right है राइट टू फॉर्म कंपनी सोसाइटीज फॉर्म एसोसिएशन के अंदर कंपनी फॉर्म ट्रेड और इन सब को बनाने का पॉलिटिकल पार्टी बनाने का या इस तरह की किसी भी कोई एक ग्रुप बनाने का राइट right जो है ये एसोसिएशन के अंदर आ गया है यानी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर ही सारी चीजें आ गई हैं यूनियन हो गया आपका कंपनीज बनाने का राइट भी फॉर्म एसोसिएशन के अंदर आ गया आपका पार्टनरशिप का भी ट्रेड यूनियन हो गया क्लब हो गया पॉलिटिकल पार्टी हो गई ये सारे जो है आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का ही पार्ट माने गए हैं ठीक है तो ये आपका एक तरीके से हमने थोड़ा इसका ब्रीफली समझ लिया कि और क्या क्या चीजें जो है कोर्ट ने इसके अंदर इंक्लूड की हुई है तो ये आपका आर्टिकल नाइनटीन था तो आर्टिकल ट्वेंटी की बात कर लेते हैं आर्टिकल ट्वेंटी कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी जब किसी पर्सन को कोई ऑफेंस के तहत कन्विक्शन यानी उसको सजा दी जाएगी तो उस टाइम पे उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपका क्लॉज वन है वो कहता है नो no पर्सन तो जब यहाँ पे नो पर्सन लिखा हुआ है इसका मतलब सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन ठीक है यानी ये राइट आपका सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस तो किसी भी पर्सन को आप किसी भी जुर्म के लिए कन्विक्टी सजा नहीं सुना सकते एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस ठीक है तो एक्सेप्ट यानी किस केस में सुनाया जा सकता है वो बता रहे हैं वो तब जब लॉ जो है जिस टाइम पे उसने जुर्म किया उस टाइम पे जो भी लॉ फोर्स में है और जिसका वायोलेशन जो है माना गया है यानी अगर आईपीसी के तहत किसी एक तरह के चीज को एक्ट को ऑफेंस बनाया गया है क्राइम बनाया गया है और वो उस टाइम पे जब उसने जुर्म किया जिस सन में उसने जुर्म किया उस सन में वो था तभी वो उसका ऑफेंस माना जाएगा लेकिन बाद में मान लो उसी सजा के लिए आई को अमेंड कर दिया गया और उस सजा की जो भी आ, वो था यानी पीरियड था टर्म था जो पनिशमेंट का पीरियड था उसको पहले मान लो सात साल था उससे कर दिया उसको दस साल तो जिस टाइम पे उसने क्राइम किया अगर उस टाइम पे सात साल था तो उसको सात साल की सजा मिल सकती है बाद में जो बढ़ रहा है उस पर सजा नहीं मिलेगी यानी जब कोई कमीशन कर रहा है एक्ट को यानी कोई एक्ट कर रहा है कमीशन ऑफ द एक्ट यानी जिस टाइम पे वो कोई काम कर रहा है जिसको जुर्म माना गया है और उस टाइम के लॉ के हिसाब से ही उसे कन्विक्शन दिया जाएगा यानी सजा दी जाएगी उस ऑफेंस के लिए ठीक है सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट दैट विच माइट द लॉ इनफोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस तो पहले तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम पे जो लॉ होगा उसी लॉ के वोलेशन के लिए उसके ऊपर ऑफेंस लगेगा दूसरे के अंदर बता दिया पेनल्टी भी उतनी लगेगी जितनी उस टाइम के अंदर लॉ के अंदर लिखा हुआ होगा तो जैसे कि आप सबको पता होगा निर्भया जो केस था वो बहुत ही फेमस केस था उसके अंदर एक बच्चा था बच्चा नहीं कह सकते यानी जो था अठारह साल के आसपास का था और उसे माइनर की कैटेगरी में पहले रखा गया तो अठारह साल से शायद कुछ ही जो मंथ होंगे शायद उससे कम था और उसको बोला गया कि क्योंकि उसने जो क्राइम किया है वो बहुत हीनियस है बहुत ही और घिनौना अपराध किया है तो उसको मेजर ट्रीट करके ही उसके ऊपर सजा सुनाई दी है तो उस केस में उस टाइम पे अगर देखा होगा कि बहुत ही जो सेंटीमेंट्स थे पब्लिक के वो इस फेवर में था लेकिन कानून जो है वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जिस टाइम पे जो भी कानून है अब उस टाइम पे कानून ये था कि जो भी 18 साल से नीचे का पर्सन है वो क्या है वो जुवेनाइल है और जुवेनाइल को जुवेनाइल जो लॉज हैं उसके तहत ही उसको पनिशमेंट दी जाती है या उसको सुधार ग्रह में भेजा जाता है उसको पनिशमेंट बेसिकली नहीं दिया जाता जेल भी नहीं भेजा जाता तो उस केस में अगर जैसे कि उस टाइम पे जो भी लॉ था उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिल सकती है बाद में आप कानून को और बेहतर बनाएं उसको और स्ट्रिक्ट बनाएं तो वो बाद की बात है तो उस टाइम पे जो भी कानून था उसके हिसाब से वो प्रोसेस हुआ होगा ठीक है तो कहने का पर्पज यही है इस एग्जाम्पल को देने का कि कानून अगर आज के टाइम पे कोई है तो उस कानून के तहत ही उसको सजा मिलेगी उसको बाद में आप बढ़ाएं घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ऑफेंस का मतलब क्रिमिनल यहाँ पे ऑफेंस की बात हो रही है सिविल ऑफेंस की बात नहीं हो रही है पहले तो ये भी ध्यान में रखना कि ऑफेंस का पर्पज यहाँ पे क्या है क्रिमिनल ऑफेंस यानी आईपीसी में जो डिफाइंड है उसकी बात हो रही है या किसी और दूसरे एक्ट में डिफाइंड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे सिविल की बात नहीं हो रही तो कोई भी पर्सन कन्विक्ट क्या हो सकता है उस टाइम के जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही वो कन्विक्ट हो सकता है और उसी लॉ में जो भी पेनल्टी दी होगी उससे ज्यादा पेनल्टी उसको नहीं दी जा सकती है ये आपका क्लॉज वन कहता है तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि आपने कानून आज बनाया और उसको पीछे से लगा दे पीछे मतलब मान लो आज हमने कानून में संशोधन करके अमेंडमेंट करके किसी जुर्म को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया पहले सात साल था अब वो मान लो दस साल कर दिया हमने ठीक है लेकिन जो गुनाह पहले हो चुके हैं पहले वाले पे पुराने वाले ही लॉ लगेंगे तो इसी को बोला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉज यानी आज लॉ बना के हम जो पहले किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते उसको ज़्यादा पेनल्टी भी नहीं दे सकते और अगर पहले कोई गुनाह नहीं था तो उसको हम आज के टाइम में दोबारा लॉ चेंज करके उसको गुनाह बना भी नहीं सकते ठीक है यानी जिस समय का एक्ट है उसी समय के लॉ अप्लीकेबल होंगे उसी समय की पेनल्टी ही दी जाएगी ये आपका जो है क्लॉज वन कहता है क्लॉज टू कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड और फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस किसी एक ऑफेंस के लिए किसी एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए किसी को एक बार ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता है प्रोसिक्यूट का मतलब कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है कोर्ट के अंदर और उसको पनिश भी एक बार ही किया जा सकता है यानी प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों चीजें एक बार ही हो सकती है ठीक है यानी इसके अंदर लेकिन एक चीज ये कि अगर किसी को हमने प्रोसिक्यूट किया और वो पनिश नहीं हो पाया उससे पहले यानी कुछ और चीज होगी जिसकी वजह से पनिशमेंट नहीं हुई तो उसको फिर यहाँ जो इसके अंदर बात बोली गई है उसका लाभ नहीं मिलेगा यानी वो प्रोसिक्यूट भी होना चाहिए और साथ में पनिशमेंट भी होनी चाहिए अगर किसी को प्रोसिक्यूट भी किया गया यानी कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया और उसको सजा भी हो गई तो उसका काम उस ऑफेंस के लिए ख़त्म हो गया लेकिन अगर उसको प्रोसिक्यूट किया गया कोर्ट के अंदर और किसी वजह से वो छूट गया तो अपील के अंदर जाके उसको दोबारा से ये नहीं कह सकता वो कि मेरा जो है एक बारी ही प्रोसिक्यूशन हो चुका है तो काम खत्म हो गया प्रोसिक्यूशन के साथ साथ अगर पनिशमेंट भी एक बार हो गई किसी एक ऑफेंस के लिए तब उसका काम खत्म हो गया तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी यानी किसी को एक जुर्म के लिए एक बार ही सजा दी जाती है दो बार सजा नहीं दी जा सकती ये इसको कहा जाता है अब इसके अंदर दूसरी बात यह भी है कि ये कह रहे हैं ऑफेंस की बात और यह कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन की बात जो प्रोसिक्यूशन होता है वो कोर्ट के अंदर होता है या कोर्ट के तरह जो सिमिलर चीजें हैं उसमें होता है तो जैसे कि सीसीए सीसी रूल के अंदर हमने देखा है अगर किसी की कोई प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में तो अलग कार्रवाई चलती ही है उसके अलावा अलावा हम डिपार्टमेंट के अंदर भी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाते हैं सीसीए सी सी रूल की जो सीसी रूल है वो उसके अंदर अथॉरिटी होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है वो कोर्ट नहीं है और ना ही उसके तहत जो हम वहाँ पे उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला रहे हैं वो एक अलग तरीका है अलग चीज़ है उसको प्रोसिक्यूशन भी नहीं बोलेंगे हम ठीक है तो यही चीज़ जो है अगर किसी को कोर्ट के अंदर सजा मिल रही है यानी प्रोसिक्यूटेड और पनिशमेंट मिल रही है किसी ऑफेंस के लिए तो उसके खिलाफ अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग भी साथ के साथ चलाई जा सकती है और वो डबल जीओ पार्टी में जो कन्वर्ट नहीं होती या डबल जी पार्टी का उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो दोनों चीजें जो है अलग है किसी कोर्ट के अंदर ही एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है लेकिन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट के सामने नहीं है जो कि अपने आप में प्रोसिक्यूशन नहीं है ही उसको कोई कोर्ट सजा दे रही है तो वो अलग अलग माने जाएंगे यानी कहने का मतलब ये है अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसने कोई ऑफेंस किया तो कोर्ट में भी सजा मिलेगी और डिपार्टमेंट भी अपनी कार्रवाई साथ के साथ या कोर्ट में सजा मिलने के बाद उसके बाद अपनी कार्रवाई कर सकता है ठीक है तो ये जो है ये रिलेवेंट पार्ट जो इसका थर्ड क्लॉज है वो कहता है नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हिमसेल्फ तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ सेल्फ इंक्रिमेशन जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है तो ये क्या है ये कहते हैं कि कोई भी अपने खिलाफ गवाह नहीं बन सकता ठीक है किसी को भी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता तो यहां पे क्या क्या इसके एक तो नो पर्सन लिखा हुआ है नो पर्सन का मतलब यानी वो सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो दोनों को ये प्रोटेक्शन दी गई है ठीक है नी ऑफेंस of उसके ऊपर अगर मान लो कोई चार्ज लगाया गया है उसको किसी जुर्म के लिए एक बनाया गया है शेल बी कंपेल्ड यानी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस बने तो यहाँ पे एक बात इससे ये सामने आती है कि कोई वॉल्ट्री अपने आप अपना जुर्म कबूल करना चाहे तो वो कबूल कर सकता है ठीक है इसमें यह बता रहे हैं तो बेसिकली उसको कंपेल नहीं किया सका लेकिन अगर कोई अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है वो तो कबूल कर सकता है चलिए इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं तो 21 के अंदर है लॉ लॉ इन इन फोर्स फोर्स का मतलब क्या है? कि उस टाइम पे ये जो लॉ इन फोर्स है उस टाइम पे जो कानून होगा उसके तहत उसको सजा मिलेगी मीन्स द एक्चुअल फैक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ यानी उस टाइम पे कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है एट द रिलेवेंट टाइम जब उसने क्राइम किया एंड इट एक्सक्लूड द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट लॉ और ये किसी तरह के लॉ पे यानी आज बना के हम पिछले वाले पे अप्लाई करने से मना करता है इट एम्प्लाइज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज के टाइम पे कोई कानून है और मुझे चाहे वो कानून पता है नहीं पता है अगर मेरे से कानून जो है वो उसका उल्लंघन हुआ वायलेशन हुआ मैंने कोई क्राइम किया तो उस केस में मैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं कह सकता कि मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था और इसलिए मैं इसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा यानी किसी को लॉ के बारे में नहीं पता तो वो अपने आप में कोई एक्सक्यूज नहीं है तब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो कोई पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में नहीं पता था अगर एग्जिस्टिंग कोई भी लॉ है उसको पता होना चाहिए उसकी नॉलेज से होनी चाहिए ये तो ऑब्लिगेशन हर सिटीजन के ऊपर इनफैक्ट नॉन सिटीजन के ऊपर भी डाला गया है ठीक है लेकिन फ्यूचर लॉ के बारे में अगर फ्यूचर में कोई लॉ बन रहा है तो उसको उसके बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर का लॉ मेरे ऊपर आज के टाइम में अप्लाई होगा भी नहीं मुझे सिर्फ आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई क्राइम ऐसा होता है कोई एक्ट ऐसा होता है जो आज के लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस है तो मुझे आज के कानून के बारे में पता होना चाहिए फ्यूचर के कानून के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल 21 द ऑफ पनिशमेंट तो पनिशमेंट के ऊपर भी देखा था हमने कि पनिशमेंट और पेनल्टी उतनी ही मिल सकती है जो एग्जिस्टिंग लॉ बताता है जो उस टाइम का लॉ बताता है जिस टाइम पे उसने क्राइम किया या उससे क्राइम हो गया बट इट डज नॉट डिवेंट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम सेंटेंस तो जो सेंटेंस की बात है पेनल्टी की बात है कि ज्यादा नहीं दिया सकता अगर आज के टाइम में किसी चीज़ की पेनल्टी जो वो है पाँच साल है सात साल है तो वो सात साल से ज्यादा नहीं दी जा सकती है लेकिन उसको पेनल्टी कम की जा सकती है ये तो श्योर है ग्रेटर नहीं दिया सकता किसी को पेनल्टी कम दी जा सकती है ये इसके अंदर मनाई नहीं है तो यही बता रहे हैं कि ये प्रिवेंट नहीं करता मिनिमम सेंटेंस के लिए तो मिनिमम सेंटेंस या मिनिमम फाइन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है किसी लॉ के द्वारा आज के टाइम में। तो पनिशमेंट आप नहीं दे सकते आज के कानून के हिसाब से अगर पनिशमेंट सात साल है तो सात साल आप पनिशमेंट कर दे सकते किसी ऑफेंस के लिए लेकिन लॉ बनाकर अगर इस सेंटेंस को यानी इस पनिशमेंट को बाद में बोलते हैं कि नहीं इसको कम करना चाहते तो उस से उस एक्ट पे उस उसपे यानी वो जो कानून बन रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा या इस आर्टिकल के खिलाफ नहीं होगा इसके अगेंस्ट नहीं होगा ठीक है तो यही लिखा है ड नॉट बार द रिडक्शन इन पनिशमेंट पनिशमेंट कम किया जा सकता है बाद में कोई लॉ बनाकर इस पनिशमेंट को कम किया जा सकता है और वो अप्लीकेबल भी हो सकता है आर्टिकल ट्वेंटी वन डज नॉट प्रोविड ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर इनैक्टमेंट सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस प्रिस्क्राइबिंग न्यू प्रोसीजर डिस डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फर्दर प्रोसिक्यूशन और ट्रायल तो वो कह रहे हैं कि ट्वेंटी वन की बात कर रहे हैं ट्वेंटी वन के अंदर बोला कि लॉ जो है वो अप्लीकेबल होगा लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर की बात नहीं की है तो इसमें यह कह रहे हैं कि जो ये कोर्ट नहीं बोला जो भी बातें मैंने यहाँ लिखी है वो सारे कोर्ट ने बोली हुई है तो इसमें यह बोला गया है कि प्रोसीजरल लॉ अगर प्रोसीजर किसी का चेंज करना है बोला कि लॉ तो वही अप्लीकेबल होगा यानी अगर आई पी सी के अंदर मान लो किसी ऑफेंस के लिए सात साल दे रखा कि ये है कि यह है सात साल है और उसका तरीका बता रहा है कि इस इस तरीके से उसका प्रोसिक्यूशन करना है जैसे कि सीआरपीसी में जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर बता रखा है सीआरपीसी के अंदर इस इस तरीके से उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी इस तरीके से उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा ये तरीके बता रखे हैं तो जो तरीके बता रखे हैं सी सी में जो चीज़ें बता रखी हैं प्रोसीजर जो बता रखा है उसको बाद में लॉ बनाकर चेंज किया जा सकता है लेकिन जो ऑफेंस है ईपीसी में जो डिफाइंड है ऑफेंस उसको चेंज नहीं किया सकता यानी अगर किसी ने मर्डर किया है मर्डर के लिए जो भी सजा है आज के टाइम में अगर आज उससे मर्डर हो गया तो वो उसके लिए सजा वही मिलेगी लेकिन, लेकिन उसका जो तरीके हैं जो प्रोसीजर है उसको बाद में अमेंड करके वो प्रोसीजर चेंज किया जा सकता है ये कोर्ट ने बोला है तो प्रोसीजर चेंज हो सकता है लेकिन जो मेन कानून का ऑफेंस है उसका जुर्म है उसका पनिशमेंट है वो सब जो है वो चेंज नहीं होगा और दूसरा जैसे मैंने बता दिया कि ये सारे जो ऊपर बातें हैं वो क्रिमिनल की बात है सिविल लाइबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता ठीक है तो यानी सिविल केस के अंदर जो सिविल चीज़ें होती है उसके अंदर बाद में भी लॉ बना के उसको पुराने जो जुर्म हैं उसके अंदर भी अप्लीकेबल किया जा सकता है क्रिमिनल में नहीं किया सकता आपका जो डबल ज्यो पार्टी था वो प्रिंसिपल जो है नो वन शुड बी पुट टू जो पार्टी टू आइज फॉर द सेम ऑफेंस किसी भी को भी एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं मिलनी चाहिए ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है यानी इस फिलासफी पे बेस्ड है इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी का हरेसमेंट ना हो ठीक है किसी से एक बार जुर्म हो गया तो उसको एक बार ही सजा मिले उसका बार बार हरेसमेंट ना हो इस ये ऑब्जेक्ट रख के इसको बनाया गया है डज नॉट अप्लाई apply कहाँ पे नहीं होता इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ एरियाज एंड सेंटर्स अंडर preventive detention. तो जहां डिटेंशन तो जहाँ पे preventive डिटेंशन वाले केस है वहाँ पे कोई पेमेंट या फाइन की पेमेंट थी या रिकवरी था किसी आ, एरियर का और, और इस तरह की चीज़ों में अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें अप्लाई नहीं होता

तो अगर कोई कोई चीज़ कोर्ट नहीं है कोई जुडिशियल ट्राइब्यूनल नहीं है तो उसके सामने अगर कोई किस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही है जैसे कि सी 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 रूल की प्रोसीडिंग्स मैंने बताई थी वो आपके प्रोसीक्यूशन में कवर नहीं होता इसी वजह से हम किसी को कोर्ट में भी उसके खिलाफ़ प्रोसीडिंग कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं और साथ के साथ सी सी एस सी सी रूल के तहत भी उसके खिलाफ़ हम जो है प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं क्योंकि वो कोर्ट के सामने नहीं है अगर कोर्ट के सामने होता तो फिर क्या होता फिर हमारा ये जो डबल जे है वो लग जाता और फिर हम या तो उसको सीसे सीसे रूल के तहत उसको कुछ पनिशमेंट दे पाते और या तो कोर्ट के सामने दे पाते दोनों को एक साथ नहीं दे पाते और वो आपका आर्टिकल ट्वेंटी के टू से क्या होता हिट कर जाता या इससे वो जो है नहीं हम कर पाते वजह से ठीक है इफ देयर इज नो पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस एज द रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी टू विल नॉट अप्लाई तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसिक्यूशन के साथ साथ पनिशमेंट दोनों चीज होनी चाहिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कि प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड तो जब दोनों चीजें होंगी तभी ये जो है पूरा आपका कंप्लीट होता है यानी किसी को प्रोसिक्यूशन भी कर दिया गया और साथ में पनिशमेंट भी दे दी गई तब उसका काम खत्म हो गया उसको उस ऑफेंस के लिए दोबारा नहीं कोई सजा मिल सकती है लेकिन सिर्फ प्रोसिक्यूशन हुआ लेकिन पनिशमेंट नहीं मिली तब फिर दोबारा से उसके ऊपर वो जो है प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है और पनिशमेंट भी दोबारा से मिल सकती है पनिशमेंट तो मिली नहीं थी तो पनिशमेंट उसको सेकेंड टाइम में मिल सकती है ठीक है तो कहां तक हमने बात कर ली ये बात कर ली तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया वेयर ए पर्सन हैविंग प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंस इज एक्विटेड किसी को प्रोसिक्यूट किया गया यानी कोर्ट के सामने लाया गया उसके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन था प्रोसीडिंग्स थी चली लेकिन उसको छोड़ दिया गया तो उसको दोबारा से ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है क्योंकि उसको पनिशमेंट अभी भी नहीं मिली है लेकिन अगर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन भी होती है और उसको पनिशमेंट मिल जाती फिर दोबारा आप कोर्ट नहीं जा पाते क्योंकि वो ये आर्टिकल आपको फिर बार करता है आपको मना करता है दोबारा कोर्ट में जाने से वेयर वन एंड द सेम एक्ट ऑफ ए पर्सन कॉन्स्टिट्यूट डू डिफरेंट ऑफेंसेज अगर कोई एक ही काम कोई एक ही जो एक्ट है कोई एक ही कर्म जो है उसके से दो ऑफेंस निकल के सामने आते हैं तो वो दोनों ऑफेंस के लिए ही उसको सजा मिलेगी द पनिशमेंट फॉर वन ऑफेंस नॉट बार द एंड पनिशमेंट फॉर द अदर ऑफेंस क्योंकि एक एक्ट एक से अगर दो ऑफेंस हो रहे तो दो ऑफेंस दो हो गए तो ऑफेंस दो है तो दो बार प्रोसिक्यूशन और दो बार उसका पनिशमेंट मिल सकता है तो जैसे कि कभी कल एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको जैसे कि कोई मान लो चोरी करने के लिए गया किसी के घर में घुस गया चोरी करने के वैसे तो उसने चोरी भी की और साथ में चोरी करके जब निकल रहा था देख लिया आ, घर का मालिक जो उसने देख लिया और वो उठ गया और उस केस के अंदर उसको उसने हाथा पाई होगी और उसको डंडा वंडा मार दिया उस आ, उस ऑनर के ऊपर तो उससे क्या हो गया एक तो उसको हर्ट किया उसने जो चोर था उसने हर्ट भी किया और चोरी भी की तो दोनों ही अलग ऑफेंस है जो आईपीसी में डिफाइंड है एक तो थेफ्ट हो गया और दूसरा ग्रीवियस हर्ट हो गया तो ये दोनों ही अलग दो ऑफेंस दोनों के लिए ही अलग प्रोसिक्यूशन हो सकता है या एक साथ भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है और दोनों के लिए अलग पनिशमेंट दी जा सकती है उस केस में ये जो आपका आर्टिकल है ट्वेंटी का टू ये उसमें कोई भी बाधा नहीं बनेगा यह कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेगा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होगा वो आर्टिकल ट्वेंटी का थ्री क्या कहता है एक तो ये बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड अमेरिकन जो इस पे बेस्ड है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच नो पर्सन वुड बी कंपेल टू गिव टेस्टमनी विच माइट एक्सपोज हिम टू प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्राइम तो ये अमेरिकन और इंग्लिश जूरिस का मतलब होता है कि वहां के लॉ के अकॉर्डिंग किस फिलोसफी को माना गया है तो उस फिलासफी का क्या कहना है कि अगर किसी भी पर्सन को हम कंपेयर करेंगे अपने खिलाफ टेस्टमनी यानी गवाही देने के लिए तो वो उसी को जो है क्राइम उस क्राइम के लिए प्रोसिक्यूशन के लिए उसको एक्सपोज कर देता है यानी उसके खिलाफ फिर क्राइम के लिए जो है आ, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी और फिर उससे सजा मिल सकती है तो किसी भी पर्सन को इस तरह की चीजों को करने के लिए मना करते हैं वो तो यही जो है हमारी फिलॉसफी वहीं से लेकर हमने बनाया है कि किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए हम बाध्य या कंपेयर नहीं कर सकते डज नॉट अप्लाई टू विटनेस तो ये एक्यूज जो है उसके ऊपर लागू होता है क्योंकि एक्यूज अगर अपने खिलाफ गवाही देगा तो उसके उसको खुद के कहने से सजा मिल सकती है ये जो है प्रिंसिपल है लेकिन जो विटनेस है गवाह है वो अगर कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती अगर वो अपने खिलाफ़ भी कोई बोल देता है तो वो भी जो है वो इसके तहत काउंट किया जाएगा यानी उसको माना जाएगा और दूसरा ये सिविल प्रोसीडिंग्स में लागू नहीं होता जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग या ऑफेंसेस की बात है सिविल प्रोसीडिंग की बात नहीं है तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स है उस पर यह अप्लाई नहीं होता यानी सिविल प्रोसीडिंग के अंदर किसी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो उसके बेसिस पे ही उसको सजा भी दी जा सकती है और वो वहां पे वैलिड भी है प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी थ्री इज अवेलेबल टू और ये जो चीज है वो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज उन उनपे भी लागू होता है यानी कोई ग्रुप है वो ग्रुप भी उनके खिलाफ भी अगर कोई इस तरह की चीज़ की जाती है तो उनको भी ये प्रोटेक्शन है कि वो अपने खिलाफ गवाही ना दें कोई भी अपने खिलाफ ना गवाही दे चाहे कंपनी हो या कोई दूसरी बॉडी हो उसके लिए भी ये सब अप्लीकेबल है ना कि सिर्फ सिटीज़न और नॉन सिटीज़न पे सबके ऊपर ही अप्लीकेबल है सबको इसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है ए पर्सन कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी थ्री इफ एट द टाइम ही मेड द स्टेटमेंट ही नॉट एक्यूज बट बिकम्स एन एक्यूज देर आफ्टर अब मान लिया कि किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उस टाइम पे तो वो एक्यूज नहीं था लेकिन एक्यूज बाद में मिला तो वो स्टेटमेंट जो है उसको लिया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के टाइम पे रखा जा सकता है क्योंकि उस टाइम पे तो वो एक्यूज भी नहीं था तो हमने ये देखा यहाँ पे ट्वेंटी के थ्री में क्या बोला गया था बोला गया था नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस तो ऑफेंस का एक्यूज एक्यूजेशन उसके ऊपर तो इल्ज़ाम अभी लगाया ही नहीं गया उससे पहले ही कोई स्टेटमेंट था उसने रिकॉर्ड किया था और वो बाद में एक्यूज बना तो उस पुराने स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ जो ये प्रोटेक्शन मिली हुई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये उसको नहीं मिलेगा वहाँ प्रोटेक्शन और वो स्टेटमेंट जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट के अंदर चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं ए पर्सन इज एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस व्हेन द फॉर्मल एक्विजिशन रिलेटिंग टू कमीशन तो कह रहे कि एक्यूज का माना जाएगा एक्यूज कोई तब माना जाता है जब उसके खिलाफ एफआईआर या फॉर्मल कोई कंप्लेंट कर दी गई जैसे मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं या इस तरह का किसी भी कोर्ट के अंदर कोई कंप्लेंट कर दी गई जो कि फॉर्मल एक्यूजेशन है तभी उसको माना जाता है कि वो accused है तभी ये प्रोटेक्शन जो है उसको मिलेगी द एक्सप्रेशन टू बी विटनेस विटनेस इंक्लूड तो अपने खिलाफ वो हो बे तो विटनेस का मतलब क्या है विटनेस यानी ओरल एविडेंस कोई देना हो या मुंह से बोल रहा है डॉक्यूमेंट्री कोई डॉक्यूमेंट देना हो टेस्ट मानी किसी गवाही हो तो इस तरीके सारे जो चीजें हैं उसमें इंक्लूड होता है तो आर्टिकल 23 गार्ड्स द कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ ओरल यानी किसी से जबरदस्ती कोई ओरल बात बुलवा बुलवाई जाए या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिया जाए या कोई गवाही टेस्टामगवाही दीजिए उससे तो वो सारे जो हैं इसके अंदर कवर होते हैं और उस केस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के सामने जो है रिलेवेंट नहीं रहती ठीक है और ये स्टेज पे अगर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे भी ऐसा हो रहा है यानी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे मान लो उससे पूछा जा रहा है कि बताओ कि आपने ये जुर्म किया या नहीं किया है तो इस तरह के ओरल ऑब्वियसली अगर वो हाँ बोले या ना बोले उससे जो है उसके क्राइम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है उसको पनिशमेंट मिल सकती है तो वहां पे वो मना कर सकता है और कह सकता है कि भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरीके से प्रोटेक्शन देता है मैं कि अपने खिलाफ गवाही ना दूं। गिविंग ऑफ ब्लड सैंपल्स गिविंग ऑफ थम इम्प्रेशन इंप्रेशन ऑफ फूड और पाम और फिंगर प्रिंट ऑफ राइटिंग वॉइस सैंपल एक्सपोजिंग पार्ट ऑफ बॉडी बाय वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉट प्रोटेक्टेड और कवर्ड बाय द एक्सप्रेशन टू बी विटनेस इन तो ये सब जो चीज़ें हैं ब्लड सैंपल थम इम्प्रेशन और पैर के निशान पाम के निशान राइटिंग के सैम्पल्स वॉइस सैम्पल और किसी बॉडी पार्ट को दिखाना यह सब जो है बोलना माना गया है कि यह आइडेंटिफिकेसन के तरीके हैं यानी ये कोर्ट को हेल्प करते हैं ये देखने के लिए कि जो भी चीज़ें एविडेंस पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने उनके सामने रखा है कि वो करेक्ट है कि नहीं है तो इस परपज से यूज किया जाता है कोर्ट ने ये बोला है तो ये जो है ये आपका सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं है तो यानी ये सब चीज़ें अगर किसी से मांगी जाती हैं ब्लड सैंपल हो गया तो हम इंप्रेशन हो गया तो वो मना नहीं कर सकता और वो सब कोर्ट में एडमिसिबल है ठीक है कोर्ट ने बोला है कि दूस इज नॉट गिविंग ए पर्सनल टेस्ट वो कह रहा है कि कोर्ट जो एक्यूज है वो कोई पर्सनल टेस्ट या कोई गवाही नहीं दे रहा इस केस में वो सिर्फ मटेरियल दे रहा है जिसके बेसिस पे कोर्ट कंपेयर कर सके और ये इंफ्रेंस निकाल सकते ये सोच सके कि जो भी एविडेंस उनके सामने कोर्ट के सामने लाया गया है वो वैलिड है सच्चा है रिलायबल है कि नहीं है ये देख सके ये कोर्ट के लिए ये जरूरी है तभी वो ब्लड सैंपल वगैरह और ये सब आएगा तभी वो देख पाएगा और ना ही इस केस के अंदर जो एक्ूज है उसको किसी तरीके का फोर्स किया गया है तो इन सब चीजों को तो इसके तहत आर्टिकल 23 के तहत लेने से मनाही नहीं है ठीक है ये इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन दी गई इसके अंदर कवर नहीं होता है ठीक है दूसरा एक कोर्ट ने यह भी बोला है कि ये जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं सिर्फ इसके बेसिस पे ही जो एक्यूज है उसको सजा नहीं दी जा सकती और ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ठीक है तो इसलिए ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ये का मतलब कि कोर्ट सिर्फ इन सब चीजों को ले रहा है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उसके सामने जो भी साक्ष्य रखे गए हैं जो भी एविडेंस रखे गए हैं वो करेक्ट और रिलायबल है कि नहीं सिर्फ उस परपज के लिए है और ये एक्यूज के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किए जाते इसीलिए इसका जो है प्रोटेक्शन इसके तहत नहीं मिलता और ये सब चीजें अगर मांगी जाती हैं तो देनी होती हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी क्लॉज 3 डज नॉट एक्सटेंड टू सर्च एंड सीजर्स मेड इन प्रोसीडेंट ऑफ वारंट इशूड अंडर सीआरपीसी तो सीआरपीसी के तहत अगर सर्च और सीजर किसी को घर के अंदर कोई जैसे सर्च का वारंट लेके आते हैं सीजर मतलब कोई सामान जब्त करने का जो वारंट लेके आते हैं तो उन पे भी अप्लाई ये नहीं होता क्योंकि ये जो सर्च एंड सीजर होता है ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट करता है ठीक है अक्यूज को कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि आप क्या करो क्या ना करो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कोई उसको कंपेल नहीं किया जा रहा तो इसलिए ये सच और सीजर जो है एक प्रोसीजर माना गया है और ये इसकी प्रोटेक्शन जो है ट्वेंटी थ्री के अंदर नहीं दी गई है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री वुड नॉट अप्लाई टू ए केस वेर कन्फेशन वॉज मेड बाई विदाउट एनी इंड्यूसमेंट तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई वॉलेंट्रली कोई अपना कन्फेशन करना चाहे तो वो तो कर सकता है उस केस में आर्टिकल ट्वेंटी का थ्री जो है वो किसी तरह से बार नहीं करता यानी कोई प्रोटेक्शन नहीं देता कंपेल्ड टेस्टनी मीन्स एविडेंस प्रोक्योर्ड तो जो कंपेल्ड टेस्टमनी यानी जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्वेंटी के थ्री में कि कंपेल्ड टेस्टमिनी क्या होती है तो कंपेल्ड टेस्टमिनी तभी जब उसको हम धमकी दें कोई फिजिकल थ्रेट दें या कोई वॉयलेंस के लिए उसको धमकाएं डराएं और कोई साइकिक कोई उसको मेंटल दें एटमोस्फेरिक किसी जैसे आ, ऐसे टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाए या कोई प्रेशर हो एनवायरमेंट का प्रेशर हो या कोई दूसरे तरीका किसी उसके जो रिलेटिव हैं उसको कोई धमका रहे हो डरा रहे हो तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो आपके कंपेयर टेस्टमिनी के अंदर आती हैं। एक जो क्वेश्चन आया था कि क्या नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन प्रोफाइल ये सब जो चीजें हैं ये क्या 23 के तहत प्रोहिबिटेड है या यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली हुई है और क्या इन सबको सेल्फ इंक्रीमिनेशन माना जाएगा तो कोर्ट ने बोला है कि अगर ये सारे टेस्ट किसी भी एक्यूज को लेने के लिए बोला जाता है और वो नहीं लेना चाहता तो ये वॉयलेट करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी के थ्री को यानी किसी को उसकी मर्जी के बिना नार्को एनालिसिस टेस्ट या पोलिग्राफी टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट जो है लेने के लिए नहीं किया जा सकता और वो क्लेम कर सकता है कि मुझे आर्टिकल ट्वेंटी के थ्री के अंदर अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मना किया गया है तो ये चीज़ जो है वैलिड बोली गई है टेप रिकॉर्डिंग मेड बाय द एक्यूज दो द रिकॉर्डिंग वॉज डन विदाउट हिज नॉलेज मान लिया कि किसी की टेप रिकॉर्डिंग कर ली स्टेटमेंट की उसे खुद भी नहीं पता कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो अगर वो रिकॉर्डिंग उसको बिना बताए हुई और उसको कोई कंपल्शन या कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं डाला गया तो उस केस में यहाँ पे जो 20 का 3 है वो अप्लीकेबल नहीं होगा और उसको यूज किया जा सकता है उसके खिलाफ ठीक है तो ये सारी चीजें जो हैं आपके 20 के 3 में आती हैं इंपॉर्टेंट है, है इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं ट्वेंटी के थ्री में से चलिए अगला देख लेते हैं आर्टिकल ट्वेंटी है आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्शन देता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की तो छोटा सा आर्टिकल है नो पर्सन नो पर्सन मतलब ये सब सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो दोनों को ये राइट देता है शैल बी डिपराइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी की भी नहीं छीनी जा सकती एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिशड बाय लॉ सिर्फ किस केस को छोड़कर जब लॉ के द्वारा कोई प्रोसीजर सेट किया गया है एस्टेब्लिश किया गया है यानी कोई कानून बनाया गया उस कानून के तहत बताया गया कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके इसकी लाइफ को लिया जा सकता है इस प्रोसीजर को फॉलो करके इसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है तो उसी केस के अंदर ही सिर्फ किसी का लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ली जाएगी अदरवाइज कभी भी नहीं ली जा सकती है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश तो आपको पता चल गया और बाय लॉ क्या हो गया यानी कोई कानून कोई एक्ट कोई स्टेच्यू पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट रजिस्ट्र द्वारा या इस तरह की कोई भी जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके द्वारा उसी से जो प्रोसीजर गवर्न हो रहा है उसी के तहत किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को लिया जा सकता है इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं और कुछ एनालिसिस देख लेते हैं आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ तो यानी ये राइट टू लाइफ आपको देता है पर्सनल लिबर्टी देता है फ्रॉम आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर तो कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर इस लॉ को 21 को इवॉल्व किया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है तो एक तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिव का कोई भी आर्बिट्री एक्शन है आर्बिट्री मतलब मनमाना कोई भी एक्शन है चाहे वो लेजिस्लेचर का भी है तो अगर कोई मनमाना आर्बिट्री एक्शन है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को ही यहाँ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा सकता है तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं यानी एग्जीक्यूटिव का जैसे बहुत ही फेमस है मेनका गांधी वाला वहां पे उसको पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया गया था या उसको बाहर फॉरेन नहीं जाने दिया गया था तो उसको चैलेंज किया गया उसको रीजन भी नहीं बताया गया मेनका गांधी को कि क्यों उसका जो है उसको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा सिर्फ ये बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उसको बाहर नहीं दिया जाने जा रहा है तो इस तरह के एक्शन को कोर्ट को में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है आर्बिट्री एक्शन है तो इस तरह की चीजें जो है

ठीक है लॉ होना चाहिए देर इज अ प्रोसीजर उसके अंदर प्रोसीजर होना चाहिए वो प्रोसीजर जस्ट फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए ठीक है और उसके साथ साथ उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो भी कंप्लाई होना चाहिए तो जो कोई लॉ बन रहा है या कोई प्रोसीजर बन रहा है लॉ भी एज वेल एज उसका प्रोसीजर भी तो जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में इनका गांधी वाला दिया उसके अंदर क्या दिक्कत थी जो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया उसको बाहर नहीं जाने देने के लिए वो फेयर या जस्ट या रिजनेबल नहीं था क्योंकि उसको रीजन नहीं बताया गया किस रीजन से सिर्फ यह बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में तो पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर किस वजह से हो रहा है यह चीज़ नहीं बताई गई थी तो जब इस तरीके से जो प्रोसीजर होता है वो रिजनेबल नहीं हो जस्ट नहीं हो और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं हो रहा हो उसको भी मौका देना चाहिए था मेनका गांधी को कि आप बताओ कि आप आ, यानी इस तरीके से जो है जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हम समझ रहे हैं आप बताओ आपका क्या कहना है तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नेचुरल जस्टिस का पार्ट है तो ये जब चीज़ें जब फॉलो नहीं होती तो उस केस में ये ट्वेंटी वन का वॉल्यूशन माना जाता है तो जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वो जस्ट होना चाहिए फेयर होना चाहिए रिजनेबल होना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की सामने वाले को मौका दो जो भी ऑर्डर पास करो वो रिजनेबल होना चाहिए वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए कोई भी अपने ही केस के अंदर जो है जज नहीं हो सकता ये तीन जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के उसको भी फॉलो करना जरूरी है इन मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19 तो मेनका गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 है लाइफ टू लिबर्टी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इसके तहत आर्टिकल 19 के अंदर जो जो फ्रीडम दिए गए हैं वो भी इंक्लूड होते हैं यानी राइट टू लाइफ और लिबर्ट पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू स्पीच जो है वो भी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है राइट टू असेंबल पीसफुली भी है विदाउट आर्म्स और जितने भी हैं पूरे किसी कंट्री में अपने कहीं पे भी घूम सकते हैं कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं अपना कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं ये सारे चीज़ें जो राइट जो हैं वो ट्वेंटी वन के तहत तो हैं ही उसके अलावा जो बाकी राइट बचते हैं लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड वो भी इसके अंदर हैं ये मेनका गांधी में कोर्ट ने बोला तो और उसके साथ साथ ये भी बोला कि अगर कोई लॉ है जिसके द्वारा किसी की पर्सनल लिबर्टी या किसी की लाइफ ली जा रही है तो ना सिर्फ वो आर्टिकल ट्वेंटी वन के प्रोविज़न को फुलफिल करेगा वो आर्टिकल नाइनटीन के प्रोविजन को टेस्ट को भी फुलफिल करना चाहिए और वो आर्टिकल फोर्टीन के तहत जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी फुलफिल करना चाहिए यानी आर्टिकल फोर्टीन में हमें पढ़ा था कि कोई भी लॉ जो है आर्बिट्री नहीं हो सकता लॉ के सामने सारे बराबर होंगे तो ये इस चीज़ को जो वहाँ पे हमने चीज़ें जितनी भी पढ़ी थी वो सारी अप्लीकेबल है और उसी तरह से जो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी फ्रीडम दिए गए हैं वो भी सारे यहाँ पे उस पर्सन के नहीं छीने जा सकते ठीक है तो ये आर्टिकल 21 कितना कितना इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर आर्टिकल 19 और 14 दोनों की चीज़ें लागू होती है तो कोई भी वॉलेट नहीं हो सकता यानी कोई आर्टिकल 21 में चैलेंज कर रहा है तो उसे 19 के भी फुलफिल करने पड़ेंगे 19 और 14 के फुलफिल करने पड़ेंगे यानी वहां पे जैसे लिखा हुआ कि बाय लॉ ही किसी का फंडामेंटल राइट right लिया जा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कुछ ही सर्टन केसेस के अंदर ही लिए जा सकते हैं तो वो सारी चीजें जो है उसको कंप्लाई या अप्लाई करना पड़ेगा वो उनको वॉलेट नहीं कर सकता प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मीन्स अकॉर्डेंस विद द लॉ इन एक्टेड बाय द लेजिस्लेचर तो जैसे कि मैंने बताया दिया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि ऐसा लॉ जिसमें पहले उसको लेजिस्लेशन ने पास किया और उसके तहत प्रोसीजर बनाया गया पर्सनल लिबर्टी का मतलब लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी एक तो फिजिकल बॉडी की लिबर्टी होगी पर्सनल लिबर्टी में और इसके साथ ये इंक्लूड करता है क्या क्या फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट डिटेंशन फॉल्स इंप्रीजमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो पर्सनल लिबर्टी में सब कुछ आता है कि नहीं फिजिकली आप पूरी तरह से फ्री हो ये मतलब है पर्सनल लिबर्टी का कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता कोई डिटेन नहीं कर सकता कोई झूठा आपको इम्प्रिजमेंट यानी किसी को जेल में डाल सकता रॉन्गफुली आपको किसी कमरे में जैसे कन्फाइंड में मतलब कि कहीं भी बंद नहीं कर सकता अनलॉफुल डिटेंशन नहीं कर सकता तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं इट इंक्लूड्स ऑल द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 191 तो 191 के अंदर जो आपका स्पीच एक्सप्रेशन असम्बली यूनियन और एसोसिएशन और आपका जो रिसाइड करने का है और आपके ऑक्यूपेशन का है ये सारे ही राइट्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एंड द रिमेनिंग राइट्स और उसके अलावा जो बाकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड बच के आपके राइट वो भी आपके ट्वेंटी के अंदर कवर होते हैं कोर्ट ने इन सब राइट को बोला है कि राइट टू लाइफ में इंक्लूड होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन मेन है वो मैंने आपको यहाँ लिखा तो, right है तो राइट टू लाइफ के अंदर आपका इंक्लूड होता है टू लिव एंड विद ह्यूमन डिग्निटी राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री एंड वाटर एंड एयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार इंडस्ट्रीज फ्री एजुकेशन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज एमरजेंसी मेडिकल एड राइट टू हेल्थ राइट टू प्राइवेसी राइट टू शेल्टर राइट टू लाइवलीहुड राइट नॉट टू बी एक्सपेड आउट ऑफ स्टेट राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल राइट टू फ्री लीगल एड जहां पर जो कन्विक्शन है ऑफेंस के लिए वो उससे उसकी जिंदगी जा सकती है पर्सनल लिबर्टी छीन सकती है तो उस केस में राइट टू फ्री लीगल एड भी इसका पार्ट माना गया है राइट टू फूड भी इसी का पार्ट माना गया है राइट टू लाइफ का और राइट टू मैरीज भी एज पर ओन चॉइस ये भी माना गया है कि राइट टू लाइफ का ही पार्ट है ठीक है तो ये आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब है आपका आर्टिकल ट्वेंटी वन ए बहुत सारे केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि आपका राइट टू लाइफ जो है उसके तहत राइट टू एजुकेशन भी आता है तो उन्हीं चीजों को जब बार बार कोर्ट ने बोला तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए को इंसर्ट किया गया

उसके तहत जो छह से चौदह साल के बच्चे स्टेट प्रोवाइड करेगा ऐसे मैनर में जैसे उसको लॉ से डिटर करे लॉ से वो देखे तो यह सब चीजें जो है यह आपका आर्टिकल बताता है तो इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी वन ए के तहत पार्लियामेंट ने पास किया है आपका ये एक्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन दिस एक्ट सिक्स टू प्रोवाइड तो ये क्या प्रोवाइड करता है हर चाइल्ड को फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है वो सेटिसफैक्ट्री होना चाहिए देखिए राइट टू एजुकेशन का मतलब ये सिर्फ कि आपने बोल दिया कि इसको एजुकेशन मिलेगी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की बात भी की गई है कि जो है कोर्टे बोला है कि एजुकेशन वाला मतलब सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एजुकेशन मिल रही है जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और इक्वल इक्वालिटी होनी चाहिए वहाँ पर यानी सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करके होनी चाहिए उनका जो भी स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होना चाहिए एजुकेशन का तो यह इन सब चीज़ों को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा है कि इक्विटेबल क्वालिटी का होना चाहिए फॉर्मल स्कूल होना चाहिए और जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की ज़रूरत है उन सब स्टैंड को फॉलो करते हुए ये आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए तो जब ये आर्टिकल 21 ए इंसर्ट किया था तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपका 51 ए के तहत जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके अंदर पेरेंट्स के ऊपर भी एक ड्यूटी डाली गई कि पेरेंट की ये ड्यूटी बनेगी कि जो भी चिल्ड्रन है उसका उसको अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन की जो छ से चौदह साल के उनके बच्चे हैं यानी आर्टिकल फिफ्टी वन ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी इंडियन सिटीजन है उसकी ड्यूटी होगी एज ए पेरेंट और गार्डियन की वो अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे पढ़ने के लिए तभी तो ये पूरी तरह से सफल हो पाएगा या पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा राइट टू एजुकेशन तो ये ड्यूटी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये भी डाली गई उसके बाद अगर आप आर्टिकल 45 देखेंगे तो आर्टिकल 45 में भी ये दिया गया है कि स्टेट कोशिश करेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो भी छह साल तक के बच्चे हैं अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ सिक्स ईयर तो छह साल तक के बच्चों को पूरी अर्ली चाइल्डहुड और केयर और एजुकेशन जो है वो छह साल तक के बच्चों को मिले तो ये भी इससे मिलता जुलता राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो जो है आर्टिकल है आर्टिकल इस तरह की बात को कहता है ठीक है तो ये आपका राइट टू एजुकेशन है इंपॉर्टेंट है ये, ये आर्टिकल इसके ऊपर दो तीन बार ही क्वेश्चन आ चुके हैं तो अब हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेंटी नो पर्सन इसमें क्या है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस तो अरेस्ट जब किया जाएगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा क्या राइट होगा और डिटेंशन अगर होता है तो उस केस में भी किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा क्या क्या राइट होंगे पर्सन के सारा इसमें बताया गया है no person who is arrested. No person बोला गया पहले तो नो no पर्सन का मतलब चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो दोनों के लिए यह राइट है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्मड एज सुन एज मे बी ऑफ़ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट यानी किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया और उसको यानी जब तक आप उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे उसको ग्राउंड्स के बारे में जिसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है तब तक उसको कस्टडी में नहीं रखना नो पर्सन इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी तो उसको कस्टडी में तब तक डिटेन नहीं करना जब तक उसको इन्फॉर्म नहीं किया कर दिया जाता कि ग्राउंड्स क्या है जिसके बेसिस पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है नो शैल ही बी डिनाइड ना ही उसको ये मना किया जाएगा द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस कि वो तो अगर वो अपने चॉइस का किसी लीगल प्रैक्टिशनर से किसी एडवोकेट से बात करना चाह रहा है कंसल्ट करना चाह रहा है और चाहता है कि वो उसका केस लड़े तो इसके लिए भी मना नहीं किया जा सकता है यानी एक अरेस्टेड पर्सन के पास क्या राइट है कि वो उन ग्राउंड्स के बारे में जान सके जिसके बेसिस पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है और दूसरा उसे कंसल्ट करने के लिए भी राइट है किसी अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर का जो उसको डिफेंड कर सके उसके बाद जो क्लॉज वो कहता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी ऐसा कोई पर्सन जिसको अब डिटेन कर लिया गया अरेस्ट कर लिया गया उसको इन्फॉर्म कर दिया गया उसके ग्राउंड्स के बारे में और यह भी बोल दिया कि चलो आप कंसल्ट कर सकते हो उसके बाद की सिचुएशन के बारे में आवर ऑफ सच अरेस्ट यानी be किसी को भी अरेस्ट करने के चौबीस घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है या उसके सामने पेश किया जाता है और उसके अंदर सिर्फ जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसको एक्सक्लूड कर जा कर दिया जाता है एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट तो कोर्ट से लेकर जो अरेस्ट करने की तो जगह थी उसके बीच में जो भी टाइम लैप्स होता है जितना भी टाइम लगता है उसको छोड़ दो उसके अलावा 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के लिए ये ड्यूटी डाली गई है नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियड द सैड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट तो किसी को भी 24 घंटे के बियॉन्ड रखने का पावर किसी के पास नहीं है जब तक कि मजिस्ट्रेट अपनी अथॉरिटी यूज़ करके कोई ऑर्डर नहीं पास कर देता या वो अलाउ नहीं कर देता तो 24 घंटे के बाद जो है यानी 24 घंटे के बियन्ड किसी को भी डिटेन नहीं किया जा सकता उसको मजिस्ट्रेट के सामने यानी यहाँ पे दो बातें बताई गई कि, कि किसी को अरेस्ट और डिटेन करने के 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा और जब तक मजिस्ट्रेट अपना कोई ऑर्डर पास करके उसे अलाउ नहीं करता 24 घंटे के बियॉन्ड तो उसको आगे जो है डिटेन नहीं किया जा सकता नथिंग इन क्लॉज वन एंड टू शैल अप्लाई लेकिन इसके कुछ एक्स एक्सेप्शन दिए हुए हैं ऊपर वाले के क्या एक्सेप्शन हैं एक तो एनिमी एलियन जो है यानी कोई शत्रु है और उस वो है पर्सन एनिमी एलियन है और बाहर दूसरी फॉरेन कंट्री का है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइड प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन और कोई अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के वजह से अरेस्ट किया गया डिटेन किया गया और वो लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड है ठीक है तो उस केस में यानी कोई लॉ को फॉलो करते हुए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो उनके ऊपर ऊपर जो दो आपके क्लॉज हैं एंड ये अप्लाई नहीं होते ये दो एक्सेप्शन है फोर कहता है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शेल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन थ्री मंथस अनलेस वो कह रहा है कि कोई भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाया गया है ठीक है उसको बनाने के बावजूद भी उस लॉ के तहत भी वो अथराइज नहीं करता कि तीन महीने से ज्यादा आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सको ठीक है अगर तीन महीने से ज्यादा रखना है तो क्या करना पड़ेगा एक एडवाइजरी बोर्ड ठीक है जिसका जो पर्सन है कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन जिसके अंदर क्या होंगे कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन वाले जज होंगे यानी ऐसे पर्सन जो हाई कोर्ट के या तो जज हो या ऐसे लॉयर हो वकील हो या पर्सन हो जो हाई कोर्ट का जज बन सकते हो उनके पास क्वालिफिकेशन हो ठीक है वो रिपोर्ट दें और उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर उनका ओपिनियन है कि इनके डिटेंशन को तीन महीने से ज्यादा बढ़ाना चाहिए तो उस केस में ही <coughs> उस डिटेंशन को प्रिवेंटिव डिटेंशन को तीन महीने से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है <coughs>

तो उसे एडवाइजरी बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और एडवाइजरी बोर्ड ये कहती है कि उनके ओपिनियन के अंदर जो डिटेंशन है वो आगे करनी चाहिए तब किया जा सकता है लेकिन ये एडवाइजरी बोर्ड भी मैक्सिमम पीरियड से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रह सकता और ये लॉ क्या है पार्लियामेंट ने जो पास किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जो भी मैक्सिमम पीरियड है उतना ही मैक्सिमम जो है एडवाइजरी बोर्ड भी सजेस्ट कर सकती है उससे ज़्यादा नहीं सच पर्सन इज डिटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर ट्वेंटी टू का सेवन और तो ट्वेंटी क्या क्या गीजें कर, कर सकता है तो यही चीज यहाँ पे बताई गई कि ये जो पर्सन डिटेन किया गया उसको पार्लियामेंट जो लॉ बनाया है उसके तहत ही डिटेन किया जा सकता है ये भी बात बताई गई है और ये जो लॉ है कहां पे बता है कैसे बनाना है ये आपके ट्वेंटी टू के सेवन

विदाउट ऑप्टेनिंग दिन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद ट्वेंटी पार्लियमेंट अपना जो कानून बनाएगा उसके अंदर यह बताएगा कि तीन महीने से ज्यादा बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के लिए किन किन केसेस के अंदर जो है तीन महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है वो केसेज वो बताएगा सर कम चांसेस भी बताएंगे लॉ के द्वारा पार्लियामेंट और यानी लॉ जो बनाएगा लॉ के अंदर ये लिखा होगा कौन कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर और कौन कौन से लोगों के लिए तीन महीने से ज़्यादा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है विदाउट ऑप्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड तो जो एडवाइजरी बोर्ड हमने ऊपर बात की थी जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज होते हैं या क्वालिफाइड जो हो जज बनने के लिए वो होते हैं वो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे जो लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकता है द मैक्सिमम पीरियड और किस मैक्सिमम पीरियड के लिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है ये भी पार्लियामेंट बाय लॉ यानी बताएगा और प्रोसीजर भी बताएगा जिसको फॉलो करना है एडवाइजरी बोर्ड को जब वो कोई इंक्वायरी कर रहा है यानी यहाँ पे जब उसे बताना है कि उसके ओपिनियन में तीन महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है कि नहीं रखना है तो उसे ओपिनियन अपना बताना है तो ओपिनियन बताने के लिए वो इंक्वायरी बना करते हैं एडवाइजरी बोर्ड करता है तो वो एडवाइजरी बोर्ड क्या प्रोसीजर को फॉलो करेगा उस इंक्वायरी को करने के लिए उसके रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा ये बातें यहाँ पे बताई गई है यानी पार्लियामेंट को लॉ किस चीज़ के रिगार्डिंग बनाना है एक तो सरकम बताने हैं और ऐसे कैसेज बताने हैं जिसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन तीन महीने से ज्यादा के लिए बिना एडवाइजरी बोर्ड को रेफर किए हुए किया जा सकता है मैक्सिमम पीरियड क्या होगा डिटेंशन का वो बता सकता है वो और प्रोसीजर क्या होगा इंक्वायरी करने का एडवाइजरी बोर्ड का वो भी वो बताएगा तो ये हमने डिस्कस कर लिया फिफ्थ कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेड इन पर्सन ऑफ ऑर्डर अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर डिटेंशन जब किसी पर्सन को डिटेन किया गया जब एक डिटेंशन का ऑर्डर निकाला गया और उसे डिटेन किया गया द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर वो पास किया है उसको डिटेंशन में रखने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए वो ये भी कम्युनिकेट करेगा उस पर्सन को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है कि ग्राउंड्स क्या हैं किन ग्राउंड्स पे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा रहा है और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी देगा ताकि वो उस ऑर्डर के खिलाफ अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके और ये क्यों जरूरी है आपका फाइव में एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसको फॉलो करने की बात की गई है क्योंकि अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा वो जो ऑर्डर होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया जा सकता है वो आर्टिकल फोर्टीन के अंदर भी चैलेंज हो सकता है वो ठीक है और आर्टिकल ट्वेंटी वन में तो चैलेंज हो ही सकता है तो ये सब चीजें जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ये राइट right उसको देना जरूरी है जो क्लॉज सिक्स है वो कहता है नथिंग इन क्लॉज फाइव शेल बी शेल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज रेफर टू इन क्लॉज टू डिज फैक्ट विद सच अथॉरिटी कंसिडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्कलोज तो अगर जिस अथॉरिटी ने यह ऑर्डर पास किया कि भी इस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है किन फैक्ट्स के बेसिस पे उसने ये आया है मतलब उस कंक्लूजन पे आया है अगर वो फैक्ट्स क्या है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है अगर जो अथॉरिटी प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर निकाल रही है किसी पर्सन के लिए तो उस पर्सन को उन फैक्ट्स को बताने की जरूरत नहीं है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ हो अगर डिस्क्लोज किया जाए तो यानी अगर वो डिस्क्लोज करते हैं इस फैक्ट को और उससे पब्लिक इंटरेस्ट को कोई खतरा है तो वो उन फैक्ट्स को अपने ऑर्डर के अंदर लिखने से मना कर सकती है क्योंकि इसमें लिखा है कि ग्राउंड्स बताना है तो ग्राउंड्स बताने के लिए उन फ्रैक्चुअल चीजों को जो है फैक्ट्स को रखा भी मतलब छुपाया भी जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो तो ये सारी बातें जो है ये आपके 22 के अंदर कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं तो इसी को मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन से राइट right है तो आर्टिकल 21 22 के वन में आपका क्या बताया गया राइट टू बी इन्फॉर्मड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो ऑफ अरेस्ट बताना है दूसरा कंसल्ट एंड लीगल प्रैक्टिशनर ये भी बताया गया

फिर ट्वेंटी टू के फोर में बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को तीन महीने से ज्यादा रखना है तो और मैक्सिमम पीरियड प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या हो सकता वो है वो भी बताया और डिटेंशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही होना चाहिए ये भी बताया पार्लियामेंट कौन कौन से अपनी पावर्स को यूज करके किस किस रिगार्डिंग जो है लॉ बना सकता है वो भी बता दिया सरकमस्टांसेस क्लासेस ऑफ केसेस और तीन महीने से ज्यादा के, के केसेस में अगर एडवाइजरी बोर्ड को कंसल्ट किए बिना अगर रखना है तो वो किस केस में होगा वो भी बताया मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है प्रीवेंटि डिटेंशन का ये भी डिस्कस कर लिया हमने प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एडवाइजरी बोर्ड अगर इंक्वायरी करनी है प्रिवेंटरी डिटेंशन के लिए जो ऊपर हमने बात की थी तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर होगा वो भी बताया गया और फिर बताया कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने ऑर्डर के अंदर ग्राउंड्स को और अपॉर्चुनिटी को और दूसरा अगर जो फैक्ट है वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है ये बताया ट्वेंटी टू के अंदर तो ये आपका पूरा जो है ये राइट टू तो फ्रीडम आपका नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी टू तक हमने कवर किया आज तो आगे जो है हम बाकी डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है नेक्स्ट और तो आज तो इसके लिए इतना ही तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म थैंक यू वेरी मच जय हिंद